Assalamu alaikum. Hi guys, this is Shomon Khan. And this is Aman, and you are watching Set Reaction. So, आज जो हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं वो हम ड्रामे हम ऐप उसका है चैनल हम टीवी का है खामोशी जो कि हम नहीं हो सकते खामोश जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग खामोश नहीं तुम लोग क्यों आएंगे तुम खामोश नहीं रहते नहीं जो लोग कहेंगे नहीं मतलब मैं बता रहा हूँ कि हम लोग खामोशी का बिना वजह काफी कुछ बोलते हैं खामोशी का तो मैं फायदा नहीं आप देखेंगे नहीं वीडियो खामोशी 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 फिलहाल खान फिर सचू मिला क्या सचू मिला चल गई ये भी है चुमिला चुमिला कुछ भी है शुमाइला 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 तो ये अफान वही का ड्रामा है जैसे कि अभी आप जैसी यूएसटी को ओपन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक मोबाइल ऐप मोबाइल दर्द ओ ये अफान वही बोला तो वहां गए खामोशी बहुत बुरी बला है कि कोई आप पे जुल्म करे और आप खामोश रहें यही आपकी अपनी तुम्हारी हर बात कोई ना कोई सिचुएशन में कोई जुल्म करे कोई प्यार करे कोई ये करे ड्रामे की साफ डीप में चला जाता हूँ क्यों क्योंकि उस जो लड़की थी वो क्या सोचा वो जो लड़की थी वो मुझे लड़की थी उस पर जुल्म होता है वो खामोश रहती है आपने शायद नोटिस किया क्यों क्योंकि खामोशी में इंसान लगता है कोई अगर बड़ा गहरा खामोश होता है लेकिन एक हद तक जब वो का डांट या डपट जुल्म में तब्दील हो जाए तो फिर खामोशी ना रहे फिर और उसने शाम इदरीस में जब लड़ाई हुई थी तो कैसे आवाज उठी यहाँ बंदा उतर गया फिर जैन जैन भी आ गया सभी कूद गया भाई सभी कूद गया यानी कि वो अलग वो खामोशी नहीं है वो तो जज्बा था अंदर से जो उबल उबल के निकल रहा था एक वीडियो उधर ही फेंकते वीडियो उधर ही फेंकते खैर आप कहाँ शाम दूसरे पर पहुंच गए हम तो अभी खामोशी पे थे कि गाइस हक के अल्फाज हक पे अल्फाज उठाना चाहिए यानी ये खामोशी
बहुत बुरी बात है। क्यों? सही बात, यानी कि खामोशी में रहता हूँ। एक एक जगह फायदे यार ड्रामे की सिचुएशन बता तो रहा हूँ, उस ड्रामे की सिचुएशन पे कि वो लड़की जुल्म सहती है, खामोश रहती है। लेकिन जहाँ तक बात है अजीज की जो जिस तरीके से शादी होती है ना, और वो जो उससे प्यार करती है, ठीक है, वो जो पहले पहले वाली भी मेरे ख्याल से उससे प्यार करती है, और इकरा अजीज की उससे शादी हो जाती है, यानी कि ये भी उस तरीके की सिचुएशन है कि मेजोरिटी मतलब हर ड्रामे में ना दो लड़कियां तो होती हैं यार, तो एक लड़की के पीछे क्यों ऐसा नहीं होगा भाई? या तो दो लड़कियां लड़कियां ज्यादा हो गई, लड़के या एक लड़की या दो लड़कियां या एक लड़का, दो बोल में दो लड़के थे एक लड़की थी या दो लड़के, आप समझिए यही स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है हर जगह पे होता है। तुम्हारे साथ भी तो यही हुआ था, दिल टूट गया था, शादी होते होते रुक गई, क्यों? चलो खैर हमारी सिचुएशन को छोड़ा, तो जो जो था हमने जो देखा ओएसटी के ऊपर वो हमने बता दिया आपको, और ये कि आप फिर हमें बताएं कि हमने कुछ गलत कहा हो तो आप हमें कमेंट में बताएं कि हमने तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्या इमेजिनेशन है, क्या आपने एपिसोड देखे, हमने जो सराउंड अपने समाजशी की खामोशी को रिप्रेजेंट किया है उसको देखते हुए किया, मतलब जो घर में, और जहाँ तक टाइटल था ना इसका बहुत जबरदस्त था, क्योंकि देखिए घर में तो आजकल छोटे मोटे आजकल की जनरेशन में कोई खामोश नहीं, नहीं लिटरली, या तो माँ बाप को भी फट से जवाब दिया जाता है, लेकिन गलत है, गलत कोई नहीं सुनता भाई, अपने ही चलाएंगे। लेकिन इन्होंने इससे अच्छा दिखाया है कि भाई कहीं ना कहीं खामोशी में या बिंदी के रिश्ते में एक बहुत बड़ी मजबूती की दौड़ होती है, और खामोशी के कैरेक्टर खामोशी के टाइटल्स मुझे नजर आ रहे हैं कि या तो लड़की खामोश होगी या तो लड़का, नहीं लड़का तो नहीं हो सकता, लड़की खामोश है, खामोशी है लड़की के अंदर ना, और वो खामोशी बहुत आगे जाके बहुत बम की तरह फटेगी। खामोशी की जो डोर होती है वो सबसे ज्यादा मजबूत होती है, और जो गुस्से की डोर होती है वो इतनी बारीक होती है, इतनी कमजोर होती है, टूट सकती है। तो आप इस खामोशी को आगे तक पहुँचाएं, सही हमारे वीडियोज को फैलाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में हमें बताएं कि कैसा लग रहा, कैसी लगी हमारी खामोशी, खामोशी और खामोशी का ओएसटी कैसे लगा आपको, आप हमें बताइएगा, और डिस्क्रिप्शन का हमने लिख दिया, और जो भी कॉपीराइट्स की जितनी भी वीडियोज़ हैं, हम बार बार अलग अलग हर वीडियोज़ में यही बताना चाह रहे हैं कि जितनी भी कोई कॉपीराइट्स की कोई भी वीडियोज़ होती हैं वो हम सब फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं, जो आपने कमेंट्स किए और आपको नहीं मिली यूट्यूब पे, यानी कि वो वीडियो और अब जो तरीका होगा वो नया होगा, उस तरीके में ये होगा कि ठीक है चलो सस्पेंस होगा। तो आप एफबी पे हमें फॉलो अप रखें, वहाँ पर आप वीडियो हमारी देखिएगा कि हम किस तरीके से एफबी और यूट्यूब दोनों पे आप वीडियो डालेंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप हमारी एफबी वीडियो देखना चाहें या यूट्यूब पे, क्योंकि दोनों वीडियो होंगी तो एक ही, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। तो ये सस्पेंस रखते हैं, कमिंग सून ये टीजर लॉन्च किया हमने, तो नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करते हैं, अल्लाह हाफिज़।